हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं सिलॉगिज्म के टाइप ऑल की कुछ ट्रिक्स और कुछ केसेस, जिनको अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, मेरा मतलब है कि अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप डेफिनेटली सिलॉगिज्म का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अभी हम टाइप ऑल का बता रहे हैं, देन फिर सम का बताएंगे, देन फिर नो का बताएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। आज जो हमारा है टाइप ऑल का है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं केस वन को, ठीक है, कि केस वन क्या है। केस वन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखिए। ये स्टेटमेंट दी हुई है, क्या स्टेटमेंट दी है, ऑल ए आर बी। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सारे ए बी है। सेकेंड है ऑल बी आर सी, सेकेंड स्टेटमेंट है कि सारे बी सी है। सबसे पहले हमें बनाना है इसका वेन डायग्राम, तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या है ऑल ए आर बी, सारे ए बी है, तो हमने ये वेन डायग्राम बना दिया। देन फिर वो बोल रहा है सारे बी क्या है, सी है, तो हमने क्या बना दिया वेन डायग्राम, इस तरीके से वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब देखिए केस वन क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि रूल क्या है, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, एरो पर ध्यान दीजिएगा, एरो बना दी है, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाओगे क्या होगा, सर्टेनिटी कौन कौन सी सही होंगी, ये देखिए। सबसे पहले सर्टेनिटी जो सही होंगी वो होगी ऑल एंड सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी। क्या सही होगी, ऑल एंड सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी ही केवल सही होगी, बाकी जितनी भी सर्टेनिटी है सारी रॉन्ग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूं ऑल ए आर सी, अगर मैं बोलती हूं कि ऑल ए आर सी मतलब सारे ए सी है, तो हम कहां ए से सी की ओर जा रहे हैं, मतलब अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, और अंदर से बाहर की ओर जाते समय क्या होता है, ऑल और सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होती है, और ये क्या है, ऑल की तो पॉजिटिव सर्टेनिटी है, तो ये क्या होगा हमारा सही होगा। अगर मैं बोलती हूं सम ए आर नॉट सी, अगर मैं बोलती हूँ सम ए आर नॉट सी, तो देखिए आप ए से तो सी की ओर जा रहे हो, मतलब अंदर से तो बाहर की ओर जा रहे हो, और सम की ये पॉजिटिव सर्टेनिटी, सम की ये सर्टेनिटी तो है, पर ये क्या है सम की नेगेटिव सर्टेनिटी है, ठीक है। नॉट लग गया मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, नेगेटिव, और आर लगा है मतलब सर्टेन, तो ये एक तरीके का नेगेटिव सर्टेन सेंटेंस है, तो ये क्या होगा आपका गलत होगा, केवल और केवल ऑल की पॉजिटिव, ऑल और सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी ही सही होगी। चलिए ये हो गया, अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी कौन सी सही होगी, जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे पॉसिबिलिटी जो सही होगी वो सही होगी कोई भी नहीं, मतलब यहां पे सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूं ऑल ए कैन सी, अगर मैं बोलती हूँ ऑल ए कैन सी, हम अंदर से कहाँ जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं, ए से सी की ओर जा रहे हैं, पर यहां पर क्या है, कैन मतलब क्या समझाया था, पॉसिबिलिटी, तो यहां पर क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएंगी। तो ऑल ए कैन सी हो, चाहे सम ए कैन सी हो, या नो ए कैन सी हो, वो सब क्या होंगी, गलत होंगी, सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा केस नंबर वन, अगर कोई भी डाउट हो केस नंबर वन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देखते हैं हमारा केस नंबर टू, स्टेटमेंट आप वही रहने दीजिए, अब हम इसे मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए क्या है स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, तो वेन डायग्राम बनाएंगे, ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, तो ये बनेगा आपका वेन डायग्राम।
अब इसको लिख दीजिए केस नंबर टू। केस नंबर टू में आपको क्या करना है, जब भी आप बाहर से अंदर की ओर आओगे, देखिए बेटा एरो पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बाहर से अंदर की ओर आओगे क्या आपके केसेस या रूल्स लगेंगे। तो देखिए जो सर्टेनिटी होगी वो केवल सेकेंड केस में सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी ही क्या होगी, राइट होगी। केवल और केवल सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होगी, बाकी सब गलत होगा जब भी हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूं सम सी आर ए, आप सी से कहां जा रहे हो, ए की ओर जा रहे हो। जब भी आप अंदर बाहर से अंदर की ओर जाओगे केस नंबर टू, तो क्या होगा आपका, सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होगी। पर अगर यही मैं बोलती हूं कि ऑल सी आर ए, तो सेकेंड रूल तो हमें ये सिखाता है कि जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे सी से ए की ओर जा रहे हैं, तो क्या होता है केवल सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होती है, और ये क्या है ऑल की सर्टेनिटी है, तो ये क्या होगा आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा रूल। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी कौन सी सही होगी। चलिए पॉसिबिलिटी जो हमारी सही होंगी वो होंगी नंबर वन, कौन सी, ऑल की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूं ऑल सी कैन ए, अगर मैं बोलती हूँ ऑल सी कैन ए, मतलब सी से कहाँ जा रहे हो, ए की ओर जा रहे हो, और कैन मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर पूछ रहा है कि सारे सी ए होंगे तो होंगे क्या, तो ये क्या होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि केस नंबर टू में जो पॉसिबिलिटी सही होती है वो ऑल की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होती है। और सेकेंड चीज, सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही होगी। ओके, और क्या सही होगा, सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही होगी जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूं सम सी कैन नॉट बी ए, अगर मैं ये बोलती हूं तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए ये पॉसिबल सेंटेंस है या नहीं है, कैन लगा है तो एक तरीके का पॉसिबल सेंटेंस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, मतलब सी से ए की ओर जा रहे हैं, है ना, एरो पे ध्यान दीजिए, सी से ए की ओर जा रहे हैं, सम सी कैन नॉट बी ए, तो सी से ए की ओर जाएंगे तो हमारा जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, सम नॉट की, वो सही होगी। तो ये देखिए ये सम, ये नॉट और कैन लगा है मतलब पॉसिबिलिटी, तो सम सी कैन नॉट बी बी ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा केस नंबर वन और केस नंबर टू। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चलिए आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिससे कि आपको जो ऑल का केस है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन लिया है एक, जिससे कि आपके सारे डाउट ऑल के केस के क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है All circles are triangle. क्या बोल रहा है, All circles are triangle, मतलब सारे circles क्या है, triangle है। All triangles are rectangle. सारे triangles क्या है, rectangle है। और All rectangles are square. सारे rectangle क्या है, square है। सबसे पहले जो आपको चीज करनी है वो करनी है आपको इसका Venn diagram बनाना है। चलिए बनाते हैं Venn diagram. All circles are triangle. तो कैसे बनेगा इसका Venn diagram, यहाँ बना देते हैं कि सारे सर्कल क्या है, ट्रायंगल्स है, ये हमने बना दिए ट्रायंगल। ठीक है, फिर ऑल ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल, सारे ट्रायंगल्स क्या है, रेक्टेंगल है, तो हमने ये बना दिया। ओके, अब बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो ये हमने एक और बना दिया।
क्या बना दिया हमने एक और, कि सारे रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो जो वेन डायग्राम बन गया हमारा वो बन गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें कॉन्क्लूजन देखना है और ऑल के जो हमने आपको ट्रिक और केसेस बताए थे उनको याद रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद आपका ऑल केस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और प्रैक्टिस की है। ठीक है, अभी हम केवल ऑल के केस के बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम सम के बताएंगे, फिर नो के बताएंगे, फिर सबके मिला के बताएंगे और फिर जो टफ वाले केसेस है वो भी बताएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, घबराइए मत। ठीक है, पर अभी हमारा ये मकसद है कि आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो, तभी तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाओगे। अभी तो ये केवल ऑल का केस चल रहा है, तो ऑल का केस समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉन्क्लूजन बोल रहा है ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर, क्या सारे सर्कल स्क्वायर हैं? तो देखिए, ये रहा सर्कल आपका, ये रहा स्क्वायर, तो सर्कल से आप स्क्वायर की ओर जा रहे हो, तो सर्कल ये रहा आपका, सर्कल से आप स्क्वायर की ओर जा रहे हो, मतलब अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाओगे तो क्या होगा, ऑल का केस नंबर वन। ऑल का केस नंबर वन आपको क्या कहता है, ऑल का केस नंबर वन आपको ये कहता है कि ऑल की और सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होगी। तो ये क्या है, ऑल की नो और नॉट यूज नहीं हुआ है, तो ऑल की पॉजिटिव सर्टेनिटी तो है, तो ये क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सम स्क्वायर आर नॉट ट्राइंगल, कुछ स्क्वायर ट्राइंगल नहीं है, तो ये रहा आपका स्क्वायर और ये रहा आपका रेक्टेंगल, तो स्क्वायर से रेक्टेंगल की ओर जा रहे हो। ठीक है, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो, स्क्वायर से रेक्टेंगल की ओर जा रहे हो ना, तो इस तरीके से बना लो, स्क्वायर से रेक्टेंगल की ओर जा रहे हो। ऑल का केस नंबर टू, अब देखते हैं हमें कॉन्क्लूजन क्या बोल रहा है, सम स्क्वायर आर नॉट ट्राइंगल, कि कुछ स्क्वायर ट्राइंगल नहीं है। तो देखिए, ऑल का केस नंबर टू हमको क्या बोलता है, जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, केस नंबर टू बोलता है सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होगी, सम नॉट की पॉसिबिलिटी राइट होगी और ऑल की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी राइट होगी, और ये क्या है, सम नॉट की सर्टेनिटी है, तो ये क्या होगा, सॉरी आप जा रहे हो ट्रायंगल की ओर। ठीक है, ट्रायंगल की ओर तो थोड़ा अंदर कर लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की ओर नहीं, ट्रायंगल की ओर जा रहे हो, तब भी हम बाहर से अंदर की ओर ही तो जा रहे हैं, तो सम स्क्वायर आर नॉट ट्रायंगल्स क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये क्या कहलाता है, हमारा केस नंबर टू है, बाहर से अंदर की ओर जाना है, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी, ऑल की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और सम नॉट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी, और ये क्या है, सर्टेनिटी है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम ट्राइंगल्स आर नॉट स्क्वायर, क्या कुछ ट्राइंगल स्क्वायर नहीं होंगे, तो देखिए ये रहा ट्राइंगल, ये रहा स्क्वायर, इसको अभी फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, ये रहा ट्राइंगल आपका और ये रहा स्क्वायर, ट्राइंगल से स्क्वायर की ओर जाना है, मतलब ट्राइंगल से स्क्वायर की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर जाना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल से स्क्वायर की ओर जाना है, मतलब अंदर से बाहर की ओर जाना है। केस नंबर वन, केस नंबर वन आपका क्या कहता है, कि सम की और ऑल की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होगी, बाकी पॉसिबिलिटी सारी रॉन्ग होगी, और ये क्या है, सम नॉट की सर्टेनिटी है, तो ये क्या होगा आपका, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सम सर्कल कैन नॉट बी स्क्वायर, कि कुछ सर्कल स्क्वायर नहीं होंगे, तो ये रहा आपका सर्कल, ये रहा स्क्वायर, तो ये रहा आपका सर्कल और ये रहा आपका स्क्वायर, फिर आप अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या होता है आपका, ये तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी, कैन नॉट लिखा हुआ है ना, तो क्या कहता है, केस नंबर वन आपका सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी, केवल ऑल और सम की सर्टेनिटी राइट होंगी, वो भी पॉजिटिव सर्टेनिटी, और ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, केस नंबर वन, सम सर्कल्स कैन नॉट बी स्क्वायर क्या होगा आपका, बिल्कुल गलत होगा। ओके, क्योंकि पॉसिबिलिटी सारी गलत होती है केस नंबर वन में। अब देखते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स कैन बी सर्कल, ये रहा आपका रेक्टेंगल, ये रहा आपका सर्कल, मतलब रेक्टेंगल से सर्कल की ओर जा रहे हैं, कौन सा, रेक्टेंगल से सर्कल की ओर जा रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल से सर्कल की ओर जा रहे हैं, तो देखिए ऑल रेक्टेंगल्स कैन बी सर्कल, केस नंबर टू, जब भी हम बाहर से अंदर जाएंगे, केस नंबर टू, केस नंबर टू आपको क्या कहता है, ऑल, केस नंबर टू बोलता है सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होगी,
ऑल की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी राइट होगी और सम नॉट की पॉसिबिलिटी क्या होगी राइट होगी। और ये क्या है दोस्तों, ऑल की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी तो है, कैन दिया हुआ है पहली बात तो, और नो और नॉट यूज नहीं हुआ है, मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी तो है, ये क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम स्क्वायर कैन बी ट्राइंगल, कुछ स्क्वायर ट्राइंगल होंगे, तो ये रहा आपका स्क्वायर, ये रहा आपका ट्राइंगल, तो स्क्वायर से ट्राइंगल की ओर जा रहे हो, फिर बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो, ठीक है, ये वाला केस होगा ना, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो, तो क्या कुछ स्क्वायर ट्राइंगल हो सकते हैं? याद कीजिए केस नंबर टू में क्या कहा था, केस नंबर टू में आपको कहा था कि सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होगी, सम नॉट की पॉसिबिलिटी राइट होगी और ऑल की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी राइट होगी। और ये क्या है, सम स्क्वायर कैन बी ट्राइंगल्स, ये है सम की पॉसिबिलिटी, तो ये क्या होगा आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, केस नंबर टू है ये आपका। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम सर्कल्स आर नॉट ट्राइंगल, कि कुछ सर्कल ट्राइंगल नहीं होंगे क्या, तो ये रहा सर्कल, ये रहा ट्राइंगल, तो ये रहा आपका सर्कल घड़ी और ये रहा आपका ट्राइंगल, मतलब सर्कल से ट्राइंगल की ओर जा रहे हो, समझ रहे हो, सर्कल से ट्राइंगल की ओर जा रहे हो मतलब अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो, अंदर से बाहर की ओर जाओगे क्या कहते हैं, केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या, ऑल और सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होगी और सारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, और ये क्या है, ऑल सम की नेगेटिव सर्टेनिटी है, तो ये क्या होगा आपका बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम सर्कल कैन बी रेक्टेंगल, ये रहा आपका सर्कल और ये रहा आपका रेक्टेंगल, तो सर्कल से फिर से रेक्टेंगल की ओर जा रहे हैं, पर यहाँ पे ध्यान से देखिए सम की ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो क्या कुछ सर्कल रेक्टेंगल होने की संभावना है, तो ये रहा आपका सर्कल, ये रहा आपका रेक्टेंगल, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, केस नंबर आपका कौन सा, वन, केस नंबर वन में क्या होता है, और सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है, और ये क्या है, सम की तो पॉसिबिलिटी है, तो ये भी क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। अगर यहाँ पे और या सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी दी होती तो वो सही होती, क्योंकि क्या होता है, केस नंबर वन है ना ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सम रेक्टेंगल्स कैन नॉट बी सर्कल, कुछ रेक्टेंगल सर्कल नहीं हो सकते, कैन नॉट है ना संभावना, तो क्या कुछ रेक्टेंगल सर्कल नहीं हो सकते, तो रेक्टेंगल ये रहा, सर्कल ये रहा, तो यहाँ देखते हैं रेक्टेंगल ये रहा, सर्कल ये रहा, मतलब रेक्टेंगल से सर्कल की ओर जाना है, मतलब बाहर से अंदर की ओर जाना है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल का केस नंबर टू, ऑल का केस नंबर टू क्या कहता है आपको, कि सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी राइट होगी, सम नॉट की पॉसिबिलिटी राइट होगी, ये केस कौन सा है, सम नॉट की तो पॉसिबिलिटी है, ये देखिए सम कैन यूज हुआ है मतलब पॉसिबिलिटी और नॉट है ना, सम नॉट की पॉसिबिलिटी बन गई, केस नंबर टू ही है कि हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही होगा। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन था, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ऑल के केस को लेकर, अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगी। ओके ठीक है, डाउट मत रखिएगा मन में, सारे डाउट पूछिएगा, आपने देखा होगा मैं सारे कमेंट का आंसर करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।